हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी एल्किल एमाइन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपकमिंग जो इवेंट था यहाँ पे इनका Q2 रिजल्ट रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द मार्केट ही यहाँ पे हम लोगों को इनका रिजल्ट देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पे अगर चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस पोजिशन पर अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो इस कंपनी में अच्छी गिरावट हुई है। एंड उसके बाद ये जो गिरावट है वो यहाँ पे और भी हम लोगों को बढ़ते हुए ही देखने को मिली है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइम जब यहाँ पे रिजल्ट आया, ठीक है, मार्केट ने इनके रिजल्ट को जब देखा उसके बाद ये गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस सामने आते हैं कि क्या इनका रिजल्ट हम लोगों को ख़राब देखने को मिला है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, या फिर इनका रिजल्ट है लेकिन उसके बावजूद, मतलब रिजल्ट जो है अच्छा आया है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। ये चीज़ें दोस्तों देखा जाए तो हम लोगों को रिजल्ट पे चलने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन अगर आज की गिरावट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 4.70% की यहाँ पे आज इस कंपनी में हम लोगों को एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, अभी हम सीधा रिजल्ट के ऊपर हैं एंड सेम सीक्वेंस यहाँ पे है। सितंबर क्वार्टर का डाटा, जून क्वार्टर का डाटा एंड यहाँ पे लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर का डाटा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। जितने भी फिगर्स रहेंगे वो सभी रुपीस इन करोड़्स में हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग टोटल इनकम इस कंपनी का देखें तो आप देख सकते हैं कि 352.8 से देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की बातें करें, मतलब जून की, तो 393 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर की बातें करें तो 293। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे वो हम देख सकते हैं कि वो उसमें हम लोगों को जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है। क्वार्टरली ऊंच नीच होती रहती है लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि हमको जो इस बार का डाटा देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। मतलब ईयरली बेसिस पे अच्छा, क्वार्टरली बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को खराब देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस के ऊपर। तो एक्सपेंसेस की यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार का जो एक्सपेंसेस है 281 है, लास्ट क्वार्टर 289 एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 204 यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार का जो एक्सपेंसेस है दोस्तों वो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोगों को गिरावट इसमें देखने को मिल रही है एंड ईयरली बेसिस पे हम लोगों को इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातें। देन दोस्तों अभी आते हैं यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर प्योर प्रॉफिट की बातें करें, जहाँ पे रेवेन्यू अगर निकाल दिया जाए एंड एक्सपेंसेस को, मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को घटा दिया जाए तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है हम लोग अगर उसके ऊपर आए तो आप देख सकते हैं कि इस बार का जो प्रॉफिट है वो 71 हम लोगों को देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम बातें करें, ठीक है। एंड क्वार्टर लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 104 एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 89। सो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में जो प्योर प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं है। देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बातें करें, मतलब सभी तरह के एक्सेप्शनल आइटम, सभी तरह के टैक्स हटाने के बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट बचा है उसके बाद उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 54 करोड़ इस बार का हम लोगों को देखने को मिला है, लास्ट क्वार्टर 78 करोड़, ठीक है। देन लास्ट ईयर की बातें करें तो 65 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस एंड ईयरली बेसिस दोनों ही बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक सोचने वाली बात है। एंड दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ख़राब देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसी रिजल्ट को आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे देखेंगे तो आप कहेंगे कि इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए अभी आते हैं एक्सेप्शन वाले आइटम में। देखिए यहाँ पर हम लोग जो वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करते हैं उसमें थोड़ा तेज़ी से बताते हैं, जहाँ पर हम लोग चीज़ों को नहीं बता पाते हैं, क्योंकि अगर हर एक चीज़ को बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स की अगर हम लोग बातें करें तो आपने यहाँ पे देखा कि केमिकल की जो कंपनियाँ हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस बार की है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो अभी आप यहाँ पर देखिए 352 यहाँ पर हम लोगों को इस बार का रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट
ईयर की बातें करें तो 293, तो यहाँ से अगर इसका मार्जिन अगर आप लोग निकालोगे तो आप लोगों को करीब करीब 60 ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, 60 का गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, सही हूँ ना मैं। एंड आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पे अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे आते हैं, तो देखिए इस बार का जो खर्चा है वो 188 देखने को मिला है, एंड लास्ट ईयर का जो खर्चा है आप देखिए 120 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। मतलब यहाँ से भी अगर यहाँ पे देखें तो जो खर्चा है वो करीब 68 के आसपास यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, मतलब इतना बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो इसी वजह से यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली बेसिस पे अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें या फिर ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इसके रिजल्ट की बातें करें तो हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट खराब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनका रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले, मतलब ओके बोल करके इस रिजल्ट को मतलब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। देन दोस्तों एक्सेप्शन वाले आइटम में और भी कई चीज़ें हैं तो उसको भी आप लोग देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा, वहाँ से भी बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देन दोस्तों ईपीएस की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार का जो ईपीएस है 10.59 लास्ट क्वार्टर, 15.39 लास्ट ईयर, 12.84, सो सेम यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से ईपीएस ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों को डाउन देखने को मिल जा रही है। सो ओवरऑल इनके रिजल्ट की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो इस रिजल्ट को जिस हिसाब से मैंने देखा है उसके हिसाब से ओके बोल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से जो चीज़ें आर्टिकल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी उसके बेसिस पे अगर आप लोग बातें करोगे, नॉर्मल व्यू के हिसाब से आप अगर आप लोग इसके रिजल्ट की बातें करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे खराब देखने को मिल जाएगा। तो यही होता है दोस्तों एनालिसिस का फर्क, ठीक है, अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तब यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी।